हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो ऑफ शैडो फाइट 4। तो आज हम लोगों का फाइट होने वाला है पीस आउट से। भाई पहला आ गया कमांडर लेके। चलो देखते हैं अपना अजूमा क्या काम करता है। यहाँ पर अजूमा का पहला वार तो लग चुका और लग ही रहा था। जिस तरह से ये बढ़ेगा, ग्रैब करेगा, भाई ग्रैब तो अलग ही परेशान किया हुआ है। जितना हाई रैंक में जा रहे भाई उतना मतलब क्रीपी प्लेयर लोग बोल सकते हैं, खाली ग्रैब पर ध्यान देता है। और इसका ब्लॉक ब्रेकर भी होता है, मेरे को तो पता भी नहीं था। भाई आराम से डॉज करने के लिए खड़े हुए थे, भाई ब्लॉक ब्रेकर मार दिया। ये लोग रोल करके गए, सामने कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब डैमेज भी इतना रहता है ना, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर ब्लॉक भी करे तो बहुत डैमेज होगा भाई, देख लो। और यहाँ पर हम लोग का अल्ट भी ख़त्म होता, इसका प्रोटेक्शन आ जाता है जैसे हम लोग का अल्ट शुरू हो जाता है। बहुत एडवांटेज है भाई, खाली हैवी मारेगा खड़ा हो के, और अगर स्पैम भी करेगा तो भाई ये प्लेयर लोग जीत जाएगा। ये लो यहाँ पर कुछ ये करेगा, कोशिश कर रहा था ये भाई पकड़ के पट को, बहुत बहुत ग्रैब करने का शौक है ना। ले भाई तुम भी खा थोड़ा ग्रैब। इसका अल्ट आ गया, बचना पड़ेगा खाली। आ गया इसका अल्ट वाला, फिर पुल हो गया, लग ही रहा था, बच गई। क्या मारे भाई, क्या गिंगटा, क्या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भाई। हम सोच ही नहीं थे, अचानक से हमने हाथ चल गया, बैक किक लग गया भाई। हम लिटरली नहीं सोचे थे कि किक लग जाएगा, मेरे को तो उम्मीद नहीं था भाई। मेरे को लगा था हो गया भाई, मेरा काम ख़त्म। अभी इसका अल्ट आ गया, दो लगातार अल्ट मारेगा और मेरे को ख़त्म करेगा भाई। खतरनाक भाई, लग गया सही समय में बैक किक भाई। इतना मस्त बैक किक मारे गए, जिसके लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर दो यार, सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, मार के एक पंच जैसा। अभी हम इसको एक लात मार के मुंह तोड़े हैं, वैसे सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। और चलो फाइट इंजॉय करो। आगे हेला आ चुकी है, लगा ही था मून लाइट करेगी, पर हम लोग का अल्ट लग चुका है एक, दूसरा वाला कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खड़े थे ताकि मेरे पर अटैक करे, पर कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ न्यूट्रलाइज करते हैं, और थ्रोएबल से नहीं बचे भाई, बचना चाहिए था। इसका सामने जाते हैं और ये ग्रैब भाई, बहुत ग्रैब करने का शौक है ना। इसको भी हम ग्रैब दिखाते, स्कूल लग कैसे गया रे, छी छी छी। उसका अल्ट आएगा दूसरी तरफ से, ये बड़ी दिक्कत होता है इसमें लड़ने में, इससे लड़ने में। आगे हम लोग का अल्ट पीछे जाते थोड़ा, नहीं तो हम लोग का अल्ट ही ब्लॉक कर देगी, ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओ भाई क्या किस्मत है यार, मून लाइट गिरने की वजह से मेरा HP जीरो हो गया। अल्ट मेरा लगा तब उसको, तभी भी उसको डैमेज नहीं हुआ भाई। क्या अपोनेंट किस्मत हो तो भाई, मेरा अपोनेंट जैसा कोई भी हो, जो भी मेरे अपोनेंट में आता भाई उसका किस्मत अच्छा जाता। मतलब लिटरली क्या चल रहा है, मेरा अल्ट एकदम सक्सेसफुल लग जाना चाहिए था, पर अल्ट का बीच में इंटरप्रेट हो गया मून लाइट की वजह से और डैमेज हो गया मेरा। क्या ही बोले, छोड़ो। साग से देखते हैं हम लोग हेला को हरा पाएंगे कि नहीं। और साग अपडेट हो गया गाइस मेरा, ये देखो फेंकने वाला हैमर आ चुका है। तो अब अगर अपोनेंट खड़ा रहेगा या कैंपिंग करेगा तो थोड़ा मेरे लिए ईजी हो जाएगा, उसको गिराओ और फिर मारो। ये ले बेटा, इसका अल्ट आ गया, ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। तो करीब जाने का कोशिश कर रहे ताकि इसको अपर मार सके। ये ले भाई पटके, इसका अल्ट आ गया, रिकवरी होगा अब इसका। नहीं हुआ रिकवरी, मेरे को लगा रिकवरी, हाँ हो गया। अब आना बेटा, अब आ, कहाँ भाग कर, अल्ट आ गया मेरा तो भाग रहा दूर इतना। ये ले ख़त्म भाई, ब्लॉक भी करेगा तो ख़त्म। मेरे को पता था ये खड़े रहेगा क्योंकि HP उतना था नहीं, कुछ भी अटैक करता तो जाता। आ गया मोस्ट इरिटेटिंग कैरेक्टर, मतलब हीरो फायर गार्ड अपना। देखते हैं इसका भी हम लोग बैंड बजा पाते हैं साग से कि नहीं। या आयरन क्लाइड में जाना पड़ेगा यार, क्या लगता है गाइस, मेरा स्किल पे शक है किसी को तो बैट करो, वीडियो पॉज करके। कौन जीतेगा पहले देखते हैं। थोड़ा पीछे जाए क्योंकि भाई स्टार्टिंग में ये लोग फायर करने लग जाते हैं। चलो ब्लॉक तो हो गया मूव, और पटका नहीं पड़ाया रे, नहीं पड़ाया। एक तो इसका खड़े खड़े पड़ता है ना और गुस्सा आता है। ये लोग ग्रैब, ये लोग मेरे को बहुत कैंपर लोग परेशान किए हैं ग्रैब से। अब हम मेरा बारी है भाई, ग्रैब वाला मूव सीखेंगे और इनको परेशान ही परेशान करेंगे। आजा बेटा आजा, ये फटेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओहो क्या बचे अल्ट से रे, लो ग्रैब आ गया इसका भी, लग ही रहा था। ये अपना चीप टेक्निक यूज़ क्यों नहीं किया, स्टार्टिंग यही किया था भाई, हमको ग्रैब करने का कोई मूड नहीं रहता, पर स्टार्टिंग में ही लोग तो मेरे को मजबूरी में करना पड़ता है। अब इसका यार हैवी मारने का चक्कर में, ओहो क्या बचे रहे अल्ट से दो बार, फिर से उसको ग्रैब करते हैं। आजा बेटा सामने आएगा तुम, सामने तो और भी मत फूटेगा ये, दूर भाग। अरे रे इतना डैमेज हो गया, छी यार। आ जा बेटा आ जा, इसी का तो इंतजार कर रहे थे अपन। ये ले थोड़ा सा HP बचा हुआ है अल्ट, अरे लग गया रे, लग गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जीत जाएंगे। थोड़ा सा HP है, अब सामने ही नहीं आएगा, रोल बैक करते रहेगा खाली। हम तो जानबूझ के आगे जा रहे ताकि हल्का सब नहीं लगा यार, छी क्या हो रहा है भाई, हार ना जाए कहीं, अल्ट लग जाएगा। अरे पागल है क्या,
भाई साहब 110 एचपी में हरा दिया। छी यार, ऊप्स हो गया भाई मेरे साथ तो। पर ठीक है, यहाँ पर ना चीप ट्रिक करके हराया, खाली कैंपिंग कर रहा था लास्ट में जाके। ठीक है बेटा, तुमको तो बताते हैं कैसे खेलते हैं भाई, पता चलेगा अभी असली अरीना का किंग कौन है। आ जाओ आयरन क्लैड, सब बताते हैं, इसका मुंह फोड़ते थोड़ा जा रहा, इसको स्वाद चखाते हैं भाई। अब खाली देखना कैंपिंग करेगा पीछे जाएगा, क्या बोले थे या और करेगा बेटा कैंपिंग। अरे अरे बच कैसे गया, अरे फटेगा ये, खत्म है भाई। तुम जा अपने घर जा रहे, तू घर जा रहे तू अपने घर जा रहे भाई। गुड गेम, हार गया तो गुड गेम से आना नहीं तो आगे पहले ग्रैब करने का कोशिश किया, उसके बाद कैंपिंग करने का कोशिश किया, किसी भी तरह शक नहीं रहा बेचारा। सो गाइस पहुंच चुके हैं वही टीम के साथ नेक्स्ट मैच, और सामने हमारे पास रॉकी और अजूमा वर्सेस साग का फाइट देखने वाले हो आप लोग। तो मेरे को लग रहा था ये इसके पास हथौड़ा होगा, इसीलिए थोड़ा दूर जा रहा है ये, मेरे को लग रहा ग्रैब करने का कोशिश करेगा। इतना तेज़ तेज़ चल के आता ना भाई, अजीब ही लगता है एकदम, आके तुरंत से भक से पकड़ लेता, कुछ भी मारो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ब्लॉक रहता है। कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा तोड़ भाई ये लोग का, नहीं तो मेरा तो बैंड बजा गया। ये देख लो, हाँ भाई कर ले, तुम स्पैम कर ले पहले, हम आते हैं कल परसों। नहीं मारने आया एक भी हथौड़ा नहीं लगा, एक बार हथौड़ा अगर लग के गिर गया ना भाई, एक तो घूम के मारेगा उसे डैमेज, फिर हैवी भी मारेगा। ए हे लगा क्यों नहीं पहला वाला अटैक, रे नीचे काटना चाहिए था इसको। ये ले ट्रैंकलाइजर, हाँ फेंक दे भाई, मेरे को पता है तुम फेंकेगा, इसीलिए हम जान मुझके इतना पीछे खड़े हैं तुमसे कि। ओ भाई इसका इनविंसिबल होता, मेरे को लगा इस बार नहीं मरेगा, पर घूमते घूमते लग गया स्पीड में। सही है भाई अजूमा, भाई अजूमा इतना डेंजर खेलता है, मेरे को पता नहीं था। मेरे को लगा जब मिला था तो हम तो इग्नोर कर रहे थे उसको भाई, पर जब ग्राइंड करना शुरू किए इससे तो बैंड बजाते हैं भाई, स्पेशली कैम्बर लोग का तो और बैंड बजा देता है। चलो देखते हैं, ये चाइनीज नाम वाला प्लेयर का हेल्थ बहुत ज़्यादा रहता है, और इसको ये मारते रहेगा तो चार्ज भी होते रहता, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा इसको क्लोज इन। या बेटा कॉम्बो मारेगा, आ जा, मेरे को पता है तुम यही करेगा। इसका मूव से जितना डिफेंस भी नहीं करना, जितना बचना, क्या हैवी लगा रे भाई, दूसरा हैवी लगा भाई बचा। अरे यार फिर से ये लोग का ग्रैब वाला चालू, एकदम अच्छा से नहीं खेल सकता, मतलब रुको हम भी, मेरे को फिर ग्रैब करना पड़ेगा, और जो कि मेरे को पसंद नहीं है, पर मजबूरी में ये लोग का करना पड़ता है। ये ले भाई, अब घूम के नहीं यार, हैवी करना चाहिए था हमको, फिर ग्रैब करेगा। आहा क्या करता है भाई ये लोग, क्या करता है, मतलब लिटरली क्या करता है, लोग ख़त्म करते हैं ट्रैंकुलाइजर से। सियाना बन रहा था बड़ा, जा दूसरा टीम को भाई, 1v2 कर दिया हमने, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। अजूमा तो रॉकिंग भाई, अजूमा तो लगता है अजूमा मेरे को फर्स्ट पे पहुँचा के रहेगा। देखते हैं ईबू से जीत पाता कि नहीं अजूमा, 1v3 हो पाया कि नहीं गाइस, लेट्स चेक इट आउट। और रिफाइन करना पड़ेगा मेरे को अजूमा का गेम प्ले भाई, पता था भाई तुम सारी फ्री, सब मैक्सिमम प्लेयर यही करता है। अरे 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 गलत, पीछे घूम के मारना चाहिए था, अल्टे तो गया मेरा, सब आज हड़बड़ा रहे हम बहुत ज़्यादा। तो ये डैमेज भी से बचना पड़ेगा मेरे को, अल्ट आ गया, दूर जाना है। अरे यार बाकी मार के सोचे कि अल्ट रोक देंगे, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अजूमा अपना काम कर चुका है, 1v2 कर चुका है। नेक्स्ट मैच मतलब एक हीरो बचा है, इसका साग फराई देगा आराम से। लेट्स सी गाइस, साग हरा पाए कि नहीं कीबो को, जहाँ तक लगता है मेरे को हरा देना चाहिए, खेलेंगे तो हम हरा देंगे। रॉकी भाई को गिराने का कोशिश करते हैं भाई, हाँ मार स्टार मार। अरे रे दो बार रोल के नहीं मारे, तीसरे बार रोल के तो मार दिया भाई। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, क्या खेल रहे हम फिर हम चला। नहीं यार नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज कर रहे, लिंग जगा ले इसका भाई, पटक ले लास्ट वाला डैमेज से तो बच गए हम लोग। क्या गंदा खेला भाई कैंपिंग, थी या हम बुरा खेले, आज स्टार मार ले यही कर ले, तुम सामने नहीं जा रही थी अपना, वो अगर स्पैम भी करेगा ये इसी का तो वेट कर रहे थे अपन। हाँ भाई मार ले स्टार, अरे मार थोड़ी लगेगा बेटा, इनविंसिबल लेने का फायदा क्या, जब अगर तुमको मार नहीं पाया तो बेटा हल्ट आ गया, आ जाओ सामने आ जाओ, अभी मारते दो तीन
क्या मामू पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो? अरे नहीं, गलत समय पर या सही समय पर उसके लिए, पर मेरे लिए तो गलत समय पर। साग को ख़त्म कर दिया यहाँ पर, मेरा इग्नोरेंस की वजह से हम हारे भाई। छी यार, ये साग से ही मैच निकल जाना चाहिए था, पर आयरन कैट तक पहुँच गया। बहुत गंदा खेल हम साग से, ये कोई नहीं, हम लोग साग से मेरे को लगता है कि करना पड़ेगा थोड़ा ग्राइंड, समझ रहे हो ना। आ जाओ भाई, रॉकी, रॉकी का तो हाई हो गया होगा कि वो 1v2 कर दिया। अब हम लोग हराएंगे लास्ट वाला बंदा को भी, पर पता नहीं इसको लास्ट वाला बंदा मेरा आयरन क्लैड है। अगर आयरन क्लैड हार जाता स्टार्टिंग में तब थोड़ा इसका चांस भी बनता, पर बेटा अभी ना हो पाएगा तुमसे, बता रहे हैं तुमको नहीं हो पाएगा तुमसे। रुको रुको रुको, रिलैक्स, चिलैक्स चिलैक्स। गड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ मेरा साग से, समझा? हर बार थोड़ी होगा बेटा, थोड़ा सा एचपी बचा, इसका रिकवरी आता ना। हाँ, कूदोगे बेटा तुम, कूदोगे। लग गया रे अल्ट, लग गया रे अल्ट, लग गया रे अल्ट। बहुत गंदा, बहुत गंदा भाई। लास्ट में 500 का डैमेज कैसे हुआ? मेरे को लगा 200 का डैमेज, 700 का डैमेज। तो ठीक है, हम लोग जीत गए यहाँ पर। बहुत ज़्यादा डैमेज है कीबू का। ऊप सुकरना बनता है भाई, सियाना बनता ज़्यादा। सो गाइस, इस वाले गेम के लिए इतना ही। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। तो गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।